कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने बीजेपी द्वारा जारी घोषणा पत्र पर तीखी बयानबाजी की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को संकल्प पत्र की बजाय माफीनामा जारी करना चाहिए था। बीजेपी द्वारा किए गए पुराने वायदों पर भी अहमद पटेल ने वार किया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि घोषणा पत्र से कई मुद्दे गायब थे। बेरोजगारी, काला धन, नोटबंदी जैसे वादों का हवाला देते हुए कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी पर कई वार किए। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने मोदी पर आरोप लगाते हुए बोला कि वे कभी भी सच नहीं बोलते, इसलिए उनका घोषणा पत्र भी उन्हीं की तरह झूठा है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार का सफरनामा झांसों से फांसों तक का है। ये भी कहा कि सरकार ने एक बार फिर फांसों पत्र तैयार किया है, जिसका मूल मंत्र है जनता को झूठे वायदे देकर फंसाना। दूसरी तरफ सुरजेवाला ने यह भी दावा किया है कि बीजेपी के घोषणा पत्र में करीब 11 झूठी घोषणाएं निकाली। SBN 9 न्यूज से अभिषेक चौहान की रिपोर्ट।